सोए गए आसमान में आपने पंछियों को उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, और उनको देख करके हमारे भी मन करता है आसमान में उड़ने का। चलो आज मैं आपको इस सपने को पूरा करता हूँ। तो यार इसके लिए आज मैं इस बॉक्स में इस चिड़िया को पकड़ करके लाया हूँ, और गए जिसके अंदर एक चिड़िया है, और गए आज मैं उस चिड़िया पर इस छोटे से कैमरे को बांध करके उड़ाऊंगा, और फिर देखते हैं कि हमारी चिड़िया किस तरह का सीन लेती है। तो चलो सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। यार हमारी इन तीनों बॉक्स के अंदर हमारी चिड़िया के अलग अलग पार्ट्स हैं, चलो अब इनको खोलते हैं। तो चलो अब इन बॉक्स को खोल करके हमारी चिड़िया को बाहर निकालते हैं। तो ये है हमारी वो चिड़िया। यार मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन गाइस ये जो चीजें ये चिड़िया से भी बहुत ज्यादा मस्त हैं, क्योंकि गाइस ये हमें आसमान में उड़ करके एकदम चिड़िया जैसा सीन दिखाएगा, और गाइस ये जो ड्रोन है ये चिड़िया से भी बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकता है, और गाइस हम उससे भी ज्यादा ऊपर का सीन ले सकते हैं। तो चलो मैं इसको सेटअप करके आपको इसको उड़ा करके दिखाता हूँ, और गाइस इसके साथ ये पंखुड़ियां अलग से आए हैं, और गाइस ये इसका रिमोट कंट्रोलर। तो चलो मैं फटाफट इस पूरे ड्रोन को सेट कर लेता हूँ, फिर हम इसको उड़ा करके देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इस ड्रोन पर इन पंखुड़ियों को लगा लेते हैं, और इसके लिए मैं इस पंखुड़ी को इस मोटर पर लगा करके नीचे प्रेस करके फिर इस मोटर को घुमाना होता है, और गाइस जिस पर हमें इसी कलर कोडिंग के हिसाब से इन पंखुड़ियों को लगाना होता है, अगर हम इनको उल्टा लगा देते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ता है। तो अब हमारे ड्रोन में पंखुड़ियां लग चुकी हैं, चलो अब इसके अंदर पीछे बैटरी डाल देते हैं, और इसकी बैटरी यहाँ पर डालती हैं। चलो अब हम इसके रिमोट को सेट करते हैं, और गाइस इसकी ये जॉयस्टिक हैं यहाँ पर फंसी होती हैं, इनको बाहर निकाल करके यहाँ पर कसना होता है। और अब हमारी बारी है गूगल्स की, और गाइस गूगल के ऊपर ये एंटीना लगते हैं, और गाइस इसे ये सिग्नल को रिसीव करता है, और हमारी गूगल को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर अलग से बैटरी दी हुई है, और इसकी पिन को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो अब हमारा ड्रोन रेडी है उड़ने के लिए। ये हमारा कैमरा, और गाइस ड्रोन को ऑन करने के लिए हमें इस बटन को एक बार प्रेस करके सेकंड बार पर 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। और गाइस ऑन होने के बाद ये बहुत ही मस्त आवाज करता है, बिल्कुल एलियन की तरह। और गाइस सेम इसी प्रोसेस से हमारा ये जो रिमोट है ये भी स्टार्ट होगा। फिर इसको उठाने के लिए हमें सारे डीजीआई की ड्रोन की तरह इस पर भी इस जॉयस्टिक को ऐसे करके ऐसे करना होता है, उसके बाद हमारा ड्रोन ऑन हो जाता है। तो अब हम इसी ड्रोन को फ्लाई करते हैं आसमान में। सर भी आप सोच रहे होंगे कि ये चिड़िया की तरह कहाँ उड़ रहा है, लेकिन गाइस इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, चिड़िया से भी बहुत ज्यादा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और गाइस इसके लिए हम इसको स्पोर्ट मोड में लगाना होगा। तो देखा आपने हमारा जो ड्रोन है वो कुछ ही सेकंड में आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना दूर जा चुका है। और क्या जब उसकी फुटेज देखने के लिए हमें इसे गूगल का यूज करना पड़ेगा। Thank you.
देखा गाइस आपने ये ड्रोन कितने कमाल की चीज है। और गाइस अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम इसके साथ और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे।